आइए अब हम देखते हैं पांच भाग पांच अर्थात पांच में पांच से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा भाग लग रहा है इससे पूर्व के पाठों में हमने ये सीख लिया है दस में देते हैं भाग फिर से पांच से तो ये भी पूरा पूरा भाग लग रहा है और इसमें आ रहा है दो पंद्रह इसमें भाग दे रहे हैं तो ये आ रहा है तीन अर्थात ये भी पूरा पूरा भाग लग रहा है बीस और इसमें फिर से पांच से दे रहे हैं तो ये आ रहा है कितना आ रहा है चार ठीक है तो हम देख रहे हैं कि ये पांच दस पंद्रह बीस इन सभी में पांच से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है आगे भी देंगे तो और भी आएंगे संख्याएं तो ये पांच दस पंद्रह बीस ये संख्याएं कहलाएंगी पांच के गुणज और इस गुणज का दूसरा नाम है अपवर्त्य और इंग्लिश में से हम मल्टीपल भी कहते हैं तो हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह वे संख्याएं उस दी गई संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाता है अर्थात ये गुणज क्या है किसी संख्या में किसी संख्या में किसी दी गई संख्या से यदि पूरा पूरा भाग लग जा, जाए तो वह संख्या दी गई संख्या की गुनज कहलाती है गुनज का ही दूसरा नाम अपवर्त है और इसे इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं यह याद रखना है अब हम आगे कुछ उदाहरण देखेंगे इसे आप नोट कर लें अपने कॉपी में गुनज किसे कहते हैं फिर से हम दोहरा देते हैं किसी संख्या में किसी दी गई संख्या से यदि पूरा पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या दी गई संख्या की गुनज कहलाती है अब हम इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण पर चर्चा करेंगे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं दो की पांच या दो के पांच गुणज लिखें या बताएं जो भी है दो के पांच गुणज लिखे तो आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे चलिए हमारे साथ साथ आप मुझे बताते चलें दो गुना एक बताइए कितना होगा बिल्कुल सही दो दो गुना दो ये कितना होगा चार दो गुना तीन चलिए बताइए कितना होगा बिल्कुल सही छः दो गुना चार ये कितना होगा आठ और दो गुना पाँच ये दस हमने पाँच तक ही की क्योंकि हमें सिर्फ पाँच गुना चाहिए थे तो हम देख रहे हैं कि दो से एक को गुना किए तो दो आ गया दो से गुना किए तो चार दो से तीन तो छः दो से चार तो आठ दो से पांच किए तो दस हो गया आ, इसे हम उल्टा करके भी देखते हैं अगर इस दो में दो से भाग देंगे तो एक हो गया अगर हम गुनाश की परिभाषा जो हमने पहले लिखा उससे अगर हम फिर से मिला के देखते हैं तो दो से दो में भाग दिए तो एक आ गया इस दो से इस चार में भाग लग जा रहा है पूरा पूरा इस दो से इस छः में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है इस दो से आठ में भी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है और इस दो से दस में भी तो ये दो चार छ आठ दस ये क्या कह लें ये दो के गुणज है पांच गुणज हमें चाहिए थे तो पांच गुणज मिल गए दो चार छ आठ दस ये हैं पांच के दो के गुणज। और एक उदाहरण देखते हैं थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा इस बार हम तीन के चार गुणज, तीन के चार गुनज बताए चलिए फिर उस, उसी तरह से करते हैं तीन गुना एक कितना हुआ तीन तीन गुना दो ये छ तीन गुना तीन नौ तीन गुना चार बारह तो हमें तीन के चार गुना यहां मिल गए हैं कौन कौन से हैं तीन छह गुनज कहें तो इसका क्या अर्थ हो गया कि इन सभी संख्याओं में तीन छ नौ बारह में तीन का पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो यहां तीन के चार गुनज हुए या हैं तीन छ नौ बारह फिर से एक बार दोहरा दो दे रहे हैं तीन के चार गुनज चार गुनज हमें चाहिए थे तीन छ नौ और बारह तो आपने इसे अपनी कॉपी में बना लिया होगा अब अब एक प्रश्न में आपको देता हूं आप बनाए ये उदाहरण नंबर तीन चलिए दो के गुणज पर घेरा लगाएं। चलिए प्रश्न है और ये दिया हुआ है दो का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इतना दिया हुआ है अब हमें क्या करना है कि इसमें से जो जो दो के गुणज हैं उन्हें गोल घेरा लगाना है चलिए लगाइए तो सब अपना अपने, अपने कॉपी में ये घेरा लगाइए चलिए हो गया अब मैं लगाता हूं आप अपने आपने जो बनाया है उसे आप मिला के देखें कि क्या वह सही है या नहीं चलिए तो पहला गुनाज हमारा का दो ये हमने घेरा लगा लिया बिल्कुल आप सभी ने तो वही लगाया है बिल्कुल सही चलिए बहुत अच्छा है अब दूसरा क्या होगा तीन नहीं 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 तीन में तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा चार हाँ इसमें तो पूरा भाग लग जाएगा चार इसके बाद पांच में लगेगा क्या दो से भाग नहीं बिल्कुल नहीं लगता है बिल्कुल सही इसे हम घेर देंगे घेरा लगा दिया सात में नहीं लगेगा अगला आठ इसके बाद दस इसके बाद बारह इसके बाद चौदह तो आप सभी ने जो घेरा लगाया तो इससे मिल रहा है ना बिल्कुल सही बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप सभी का यही आंसर आ रहा है अब आपके पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उसे आप बनाए अब हम सीखेंगे साझा गुणज या समान अपवर्त या समापवर्त्य या इंग्लिश में से कहेंगे कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है चलिए फिर से हम देखते हैं तीन के गुणज अभी हमने पहले भी देखा था तीन के गुणज चलिए तो आप बताते चलें मैं लिखता चलता हूं तीन के गुणज क्यों पहला क्या है तीन है दूसरा बोलिए छ इसके बाद नौ फिर बारह फिर पंद्रह इसका बाद है अठारह इक्कीस चौबीस सत्ताईस और तीस आगे भी होंगे आगे भी आएगा अब एक और संख्या लेते हैं चार और इसके गुणज लिखते हैं तो ये होगा चार आठ बारह चलिए अभी करते चाहिए हमारे साथ साथ सोलह बीस चौबीस अट्ठाईस बत्तीस और इसके आगे भी अनंत चलेंगे अब हम देख रहे हैं अब तीन और चार के साझा इस शब्द साझा से आप क्या समझते हैं साझा यानी दोनों में जो है साझा समान या कॉमन तो कॉमन जो इंग्लिश के शब्द हैं इससे तो आप बहुत ज्यादा परिचित हैं कॉमन का क्या अर्थ हुआ जो दोनों में है साझा उसी का हिंदी है दोनों में अब देखते हैं कि क्या क्या आ, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं या कौन से गुणज है जो दोनों में हैं तो हम यहां चार वाले से देखते हैं यहां चार यहां है क्या चार नहीं आठ बिल्कुल नहीं उसके बाद बारह तो बारह यहाँ भी है और यहाँ भी है यानी ये कॉमन हो गए ठीक है इसके बाद सोलह नहीं यहाँ नहीं है बीस ये भी यहाँ नहीं है चौबीस ये है यहाँ यानी ये चौबीस भी साझा है चलिए अभी और आगे बढ़ेंगे तो और भी मिलेंगे लेकिन अभी हम दो हमें मिल चुके हैं तो हमारा मकसद पूरा हो गया है तो हमारा जो साझा है जो दोनों में है गुनज वो हो गए बारह और चौबीस आगे भी आ सकते हैं आगे आएंगे ही निश्चित आएंगे और भी आएंगे तो हमारा तीन और चार का जो साझा गुनज है वो हो गया बारह और चौबीस अब यहाँ एक बात और आप गौर करें ये जो साझा है दो बारह और चौबीस इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये है बारह तो एक चीज और अभी हम हमने सीखा तीन और चार का सबसे छोटा गुणज तो ये हो गया बारह तो आपने साझा गुनज को समझा अब एक और उदाहरण शायद लेने से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं चार के गुणज, छ के गुणज आठ के गुणज। यानी चार छ और आठ के हम साझा गुणज निकाल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए चार आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस चालीस चौवालीस अड़तालीस कॉमा डॉट डॉट और आगे भी होगा अब छे का बारह, अठारह, चौबीस तीस छत्तीस बयालीस अड़तालीस चौवन अब आठ के लेते हैं आठ सोलह चौबीस बत्तीस चालीस अड़तालीस छप्पन इतने ही ले रहे हैं अब चार छ और आठ के साझा गुणज. अर्थात जो तीनों में है इससे पहले जो हमने उदाहरण देखा था वो दो संख्याओं के साझा गुणज को देखा था अभी हम तीन संख्याओं के साझा गुणज को देख रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं आठ क्या आठ तीनों में है नहीं यहां तो है लेकिन इसमें छह वाले गुणज में ये नहीं है अब इसके बाद सोलह देखते हैं तो सोलह भी इसमें नहीं है चौबीस तो 24 यहां भी है यहां भी है और यहां भी है यानी ये साझा हो गए है ना ये साझा है ये 24 तीनों में है 24 के बाद देख रहे हैं बत्तीस यहां तो है आठ वाले में चार वाले में भी लेकिन छ के गुनज में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं चालीस ये भी यहां नहीं है अड़तालीस यहां भी है यहां भी है और यहां भी है तो ये साझा हो गया अड़तालीस भी तो चार छ और आठ का जो साझा गुनज है हमें अभी तक इतने में दो मिल चुके हैं चौबीस और अड़तालीस तो चार छ और आठ का सबसे छोटा सबसे छोटा साझा ये क्या हुआ बिल्कुल स्पष्ट है चौबीस तो हमने देखा हमने इससे पहले वाले उदाहरण में दो संख्याओं के साझा गुणज के बारे में देखा था और अभी हमने तीन संख्याओं के साझा गुणज को देखा एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं साझा गुणज क्या हुए जो दोनों या तीनों जिसके भी हम निकाल रहे हैं साझा गुणज उसके सभी गुन गुनजों में वो कॉमन होना चाहिए तो एक बार फिर से हम दोहराएंगे कि आज हमने क्या सीखा आज हमने क्या सीखा आज जो हमने सीखा वो क्या था एक तो पहला हमने सीखा गुनज दूसरा हमने सीखा साझा गुनज और तीसरा हमने सीखा सबसे छोटा साझा गुनज ये तीन चीजें आज की कक्षा में हमने सीखी हैं गुनज साझा गुनज और सबसे छोटा साझा गुनज मुझे आशा है कि आज की कक्षा में जो आपने ये तीन टॉपिक पढ़ा गुनज साझा गुनज और सबसे छो, छोटा साझा गुनज ये आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा अब आपके पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न हैं इसे आप खुद बनाए धन्यवाद